सबसे बड़ा शादी का जो सबसे बड़ा इशू बना हुआ है सबसे ज्यादा वो है दहेज। अब ये दहेज का ऐसा है कि अमीर तो दे देता है लेकिन गरीब तो ये उनको सोचना चाहिए जो दे रहे हैं और कहते हैं कि हमको दिया है अल्लाह ने तो दे रहे, क्या तोहफा नहीं दे सकते क्या, कहाँ मना है तोहफा दे रहे, वो तोहफा क्या है, वो तो आपने उधर से लिया है पूरा दहेज वहां पर था, वो कन्यादान था इसके लिए देते हैं, वो दान कर देते तो जो कुछ देना उसके साथ में दे दो। हमारे कन्यादान नहीं होता, निकाह मुआहिदा होता है, लिखा जाता है उसको एक पेपर के ऊपर, तो हमारे मुआहिदा है वो दान नहीं है कि आपने एक दे दिया उसको कि दान हो गई, वो तो वहां पे तो दान होता है इसलिए दे देते हैं वो कि जो कुछ देना है अभी देना है। यहां तो विरासत में इसका हिस्सा है लड़की का, या आपने दे दिया वो नहीं, तो दहेज इसके अंदर अमीर दे रहा है लेकिन ये सोचना चाहिए वो अमीर दे रहा है और तुमने ऐसा काम किया है कि वो जो आपके आसपास में गरीब लोग रहते हैं जो रिश्तेदार आए हैं वो आपके देख रहे हैं कि मेरी बेटी की ऐसी शादी नहीं कर सकता हूं, वो लड़की वहां पर मौजूद है देख रही है कि मेरी शादी ऐसी नहीं हो सकती है और मेरा बाप मुझे इतना नहीं देख सकता, उन गरीबों की आहें निकलती है और वो आहें निकलेगी तो आपके बच्चों बच्चों की जिंदगी सुकून से नहीं गुजरने वाली। आप ये सोच रहे कि इतना देकर जो हम उनकी जिंदगी सुकून हो जाएगा या आराम से रहेंगे, तो पलंग भी दे दो, सोफा भी दे दो, फ्रिज भी दे दो, ये सब दहेज के नाम पर आपने दे दिया कि सुकून रहेगा, ये बद्दुआएं लगेंगी उनकी जो लोग दे नहीं सकते और आपको देखकर हिंजर रहे और जिसकी वजह से वो देखकर उनके निकाह नहीं हो रहे, वो बच्चियां घर में बैठी हुई दहेज की वजह से, तो बद्दुआएं लगे जो इसको करते हैं, तो ये तो बहुत बड़ा लानती काम है और ये भी हम देखते हैं कि आम है, इसके बिना तो होता ही नहीं है, तो ये किया जाता है कितना देना कितना नहीं देना। और इसके लिए भी ये होगा कि ये बात ये नहीं कि सामने वाला दे रहा है नहीं दे रहा अपनी मर्जी से दे रहा है, ये तो खुद लड़के को खड़ा होना पड़ेगा मैं नहीं लूंगा और लड़कियां अलग कहना पड़ेगा मैं नहीं दूंगा, तब जाकर ये खत्म होगा, खुद खड़ा होना पड़ेगा। इसमें बगावत करनी चाहिए कम लड़के को करना चाहिए, नहीं तो भीख मांगना है स्टैंडर्ड भिखारी है, क्योंकि भाई हाथ में नहीं ले रहा, ट्रक भर के ला रहा है, बड़े बड़े सामान ला रहा है, तो ये इसके तो इसको के अंदर होना चाहिए और ये हमको इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि इसकी वजह से एक बड़ा मौजू है, तो आज सबसे बड़ा इशू है इसकी वजह से ये सारे हम देखते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है। ये कन्या भ्रूण हत्या, भ्रूण हत्या की बात, ये शादी के मसले की वजह से हो रही है, लोग इसके अंदर कहते हैं भाई कन्या भ्रूण हत्या इसलिए हो रही है भाई ये लड़की है इसलिए लोग रख नहीं रहे, मार देते हैं पेट के अंदर ही मार देते हैं, वो वजह नहीं है, वजह वो नहीं है, वजह उसकी ये है, एक दूसरी वजह यह है कि दहेज देना पड़ेगा, कहाँ से लाएंगे इतना, तो लड़की रखता ही नहीं, पहले एक लड़की हो गई अब दो तीन हो गई, फिर चलती भी लड़की, अब कितनी शादी करूंगा मैं तो मर जाऊंगा, कहां से लूंगा इतना पैसा, इसके लिए मार देता है। और बात वो दहेज एक बार देने की होती वो भी नहीं है, बात इन रसूमात की जो हमने पाल रखी है जिंदगी के अंदर के, अब उसके बाद एक बार निकाह कर दिया उस लड़की का, उसके बाद फिर वो छुटकारा नहीं, चलो एक बार देने की बात होती ना, दे दिया जैसे तैसे उधार करके घर बेच के गिरवी रख के दे दिया, लेकिन एक बार की बात नहीं, ये रस्मों रिवाज ने इंसान को पीछे डाल दिया है और उसके अंदर मुसलमान भी शामिल हो गए, एक बार उसका निकाह कर दिया अब वो चली गई, दहेज भी दे दिया, फिर वापस से एक साल बाद फिर आ गई प्रेगनेंट होकर, बोले बोले इसको रखो, इसको अस्पताल में करवाना पड़ेगा, इसका बच्चा करना पड़ेगा, इसके लिए कपड़े लाने पड़ेंगे, फिर रिले आएंगे तो उन लेने वालों को सबको खाना भी खिलाना पड़ेगा, फिर उसके बाद में इस लड़की के घर पर शादी हो रही, इसके देवर की शादी, तो इनको लेके जाना पड़ेगा, सारा सबके लिए पूरे घर के लिए लेके जाना पड़ेगा, फिर कोई मर गया तो फिर लेके जाना पड़ेगा, और ये हर चीज में रस्म हो गई है, यहाँ तक कि रिटायर्ड हो रहा तो उसके अंदर रस्म चालू, रिटायर्ड हो गए साहब हमारे ससुर जी तो उनके लिए फिर लेकर जाओ, इनकी शादी हो रही तो फिर लेकर जाओ, बुआ के यहाँ शादी, खाला के यहाँ शादी, उसके वहाँ फला के वहाँ शादी, चचा के यहाँ शादी, सबके यहाँ ये बेचारे ने लड़की दे दी, जिंदगी वो लूटाता रहेगा, एक बार की बात नहीं, इस वजह से लोग ये इसलिए कन्या भ्रूण हत्या नहीं रुक रही, वजह यह है कि वो जिंदगी भर तक उसको पालना पड़ रहा है, वो बेचारा बोझ बोझ मरने तक तो ऐसा हो जाता है कि उसकी जिंदगी बेचारे झुक जाता है पूरा, दे देकर खत्म हो जाती है, जितना उसने कमाया पूरा लड़की में दे देता सारा, तो ये जिंदगी भर की रस्में रिवाजों की वजह से ये हो गई, इस्लाम में भी दाखिल हो गई, इसलिए हमारी जिंदगी जो मुश्किल हो गई।